टॉपिक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और दूसरा टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, हम दो थिन प्रिज्म लेते हैं, पहले तो पतले प्रिज्म, दो प्रिज्म को जोड़ लेते हैं, एक सीधा एक उल्टा ऐसे। अब इमेजिन करो कि एक रे ऑफ लाइट आई वाइट, सात रंग में टूट गई, डिस्पर्शन हो गई। डिस्पर्शन में रेड ऊपर चल रहा है, वॉयलेट नीचे चल रहा है। जब ये बाहर निकलती है तो वॉयलेट ऊपर रेड नीचे हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो मीन लाइट है एवरेज लाइट, ये डॉटेड लाइन एवरेज लाइट है येलो की, तो मीन लाइट और ये जो वाइट लाइट जा रही थी इसमें और इसमें एंगल डेल्टा बनता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चली जाती हैं। क्योंकि डेल्टा देखो वॉयलेट का बनता है, रेड का भी बनता है, पर यहाँ पर मीन लाइट की बात हो रही है। जो मीन लाइट है एवरेज लाइट है वो बिल्कुल पैरेलल जाती है इंसिडेंट लाइट के, डेल्टा नहीं बनता। डेल्टा को क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो टॉपिक का नाम क्या है, विदाउट डेविएशन। तो इस टॉपिक में डेल्टा नेट क्या आएगा, जीरो। पर डिस्पर्शन तो है, जो बाहर लाइट निकली वो सात रंगों में टूट के निकली है, तो डिस्पर्शन है लेकिन नेट डेविएशन जीरो। लेकिन अगर आप अगला टॉपिक चेक करो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये देखो वाइट लाइट आई सात रंगों में स्प्लिट हुई, लेकिन रिफ्रैक्शन का अफेक्ट देखो, वापस सात रंग मिल गए, वाइट की वाइट लाइट बाहर आ गई, तो डिस्पर्शन तो हुई नहीं नेट, वाइट आई वाइट बाहर आ गई, नो डिस्पर्शन। पर हाँ, ये वाइट लाइट कुछ ना कुछ डेल्टा एंगल बनाएगी इंसिडेंट से, तो डेविएशन तो है। तो टॉपिक का नाम क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज इसके ऊपर लिख लें, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए बिल्कुल भी करके नहीं जाना, देख के भी नहीं जाना इस टॉपिक को, ठीक है। फिर क्या करके जाना है, इसमें थ्योरी भी पढ़नी नहीं है, कुछ याद नहीं करना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा, बस वही देख लेना। रेयर क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता है कि क्या रेफर करना है आपको, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है। पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा नहीं होगा इसमें। तो एक काम करते हैं, दो किस्म के हम प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म जिसको जिसका ग्लास बना हुआ है क्राउन ग्लास से, और दूसरा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास बना हुआ है फ्लिंट ग्लास से। दो किस्म के ग्लास यूज किए जाते हैं, क्राउन और फ्लिंट। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। तो पहले वाले प्रिज्म ने डेल्टा क्या प्रोड्यूस किया, ए इंटू म्यू माइनस वन, और दूसरे प्रिज्म ने क्या प्रोड्यूस किया, डेल्टा ए डैश म्यू डैश माइनस वन। पर हमने क्या करना है, नो डेविएशन, नेट डेविएशन, डेल्टा क्या होगा, जीरो। तो इन दोनों को ऐड करो और इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू जीरो, तो ये रेशियो, पहला फॉर्मूला नोट करो, टॉपिक का नाम डालो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में दोनों प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म का ये रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये करना है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है, एंगल ए डैश बाई ए और म्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का टॉपिक है। ठीक, तो ये पहला टॉपिक है। दूसरा, इसी के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेट एंगुलर डिस्पर्शन। डेविएशन नहीं, डेविएशन डेल्टा होता है, डिस्पर्शन का मतलब सात रंगों में स्प्लिट होना। तो सात रंगों में लाइट तो स्प्लिट हुई है, सात रंगों में स्प्लिट हुई है, तो वॉयलेट और रेड कलर में डेल्टा तो बनेगा। तो वॉयलेट और रेड कलर के डेल्टा के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन पहले प्रिज्म का, एंगुलर डिस्पर्शन दूसरे प्रिज्म का, नेट एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे और ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिस्पर्शन तो है डेविएशन नहीं है। तो नेट डेविएशन को तो जीरो पुट कर दिया, नेट डिस्पर्शन मैंने ऐड कर दिया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं याद करना। इन में से ए को कॉमन निकाल लिया तो ये वन हो गया, ये ए डैश बाय ए हो गया, ए डैश बाय ए ऊपर हमने निकाला था, इसको उठा के यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो आपके पास क्या बन गया, ये टर्म बन गई। ये टर्म देखी लगती है, ये क्या चीज है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, और ये क्या चीज है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। ये फॉर्मूला नोट करो किसका, एंगुलर डिस्पर्शन का।
इस केस में डिस्पर्शन होगी, और एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगी, डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन केस अगर आ जाए, वैसे रेयर चांस है क्वेश्चन का आने का, पर अगर आ जाए तो एटलीस्ट ये थ्योरी को रेफर कर सकते हो अगर प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है तो। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन मैंने नीट की बुक्स में बहुत देखा, मेंस के अंदर भी देखा, बुक्स देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लिखें इसमें पहला पॉइंट, लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्राउन ग्लास। तो ये ना फैक्ट याद करना पड़ेगा, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन से बड़ा होता है और डिस्पर्सिव पावर भी फ्लिंट की बड़ी होती है एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास। सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करने को कम से कम पता हो कि क्या करना है। ठीक है, पहला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अगर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो एंगल ऑफ क्राउन ग्लास हैज टू बी ग्रेटर देन फ्लिंट ग्लास। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू ए डैश से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये सब ऊपर से प्रूव हो क्या रहा है, पर अगर ऑब्जेक्टिव में सीधा रिजल्ट मार्क करने को आएगा तो सीधा रिजल्ट मार्क कर सकते हैं। ठीक, रेयर चांस है, पर आपको कहीं ना कहीं तो टक्कर ही जाएगा, ये 100 में से 200 में से एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। तो एटलीस्ट आप थ्योरी रेफर कर सकते हो कि आपने क्या किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं डेविएशन तो चाहता हूं लेकिन मैं डिस्पर्शन नहीं चाहता। सात रंगों में लाइट को टूटता हुआ देख नहीं सकता, डेल्टा आता है आने दो। तो इसमें डेविएशन एंगुलर डिस्पर्शन का पहला प्रिज्म का ये फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्शन दूसरे प्रिज्म का ये फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे को डिस्पर्शन चाहिए ही नहीं, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। मुझे डिस्पर्शन चाहिए ही नहीं, जब डिस्पर्शन नहीं होती तो वॉयलेट और रेड कलर में डेविएशन होने का मतलब ही नहीं है, तो नेट डेविएशन क्या आ गई, जीरो। तो यहां से नेट डिस्पर्शन सॉरी क्या आ गया, जीरो। इसकी जगह वैल्यू पुट की, इसकी जगह वैल्यू पुट की पहला फॉर्मूला। तो टॉपिक का नाम लिखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में दोनों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म का ये फॉर्मूला। तो ये हाईलाइट कर लो, ठीक है यहां तक। दूसरा, अब इसकी रेशियो आ गई ए डैश बाई ए की। ठीक है, मैं डेविएशन नहीं चाहता, अब क्योंकि लाइट सात रंगों में टूट के बाहर नहीं आई, अगर आपको लेंस के डिफेक्ट्स याद हो तो हमारी एक प्रॉब्लम थी लेंस की कि कोई भी लेंस हमने डिस्कस किया था कोई ऐसा बन नहीं सकता आइसोलेटेड जो सात रंगों में लाइट को स्प्लिट ना करे, वो करेगा ही करेगा। और अगर हम ऐसा कर देते हैं, एक लेंस को ऐसा बना दें बाय यूजिंग कनकेव लेंस ताकि वो सात रंगों में स्प्लिट ना करे, एक ही लाइट बाहर निकाले, उस कंडीशन को बोलते थे कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। ये भी तो वही कर रहे हैं, अकेला प्रिज्म तो सात रंग बाहर निकालेगा ही निकालेगा, पर एक और प्रिज्म रखने से वो वाइट लाइट वापस आ गई। तो इस कंडीशन का दूसरा नाम क्या है, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, कि कलर में स्प्लिट नहीं हो पाई लाइट। तो लिख लो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म में अगर कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म आता है तो यही कंडीशन है एक्रोमेटिज्म की, कि डिस्पर्शन ना होना। ठीक है यहां तक, लेकिन डेविएशन तो होना। अब इस केस में अगर हम बात करें इस रिजल्ट की जो हमने ये लिखा था, ये हमने कहा था कि डिस्पर्शन तो होगी नहीं तो ये कंडीशन लगा दी इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर इस रिजल्ट को म्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई म्यू माइनस वन से डिवाइड कर दिया, आपको याद नहीं करना, और इसको भी म्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये टर्म आ गई। इसके अंदर मुझे ये समझ में आता है कि ये जो टर्म है ये डेल्टा हो गई, ये टर्म ओमेगा हो गई एंगुलर डिस्पर्शन, ये टर्म डेल्टा डैश हो गई और ये टर्म ओमेगा डैश हो गई। तो आपने ये याद करना है बस सिर्फ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास डेविएशन तो हो पर डिस्पर्शन ना हो तो डिस्पर्सिव पावर की ये रेशो चाहिए मुझे, ये फॉर्मूला नोट कर लें, इफ नीडेड कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, इसकी नहीं चाहिए वैसे, देख आता नहीं न्यूमेरिकल। ठीक है यहाँ तक। अब डिस्पर्शन तो नहीं होती इन कंडीशंस पे, बट डेविएशन तो होती है, तो
तो नेट डेविएशन होती क्या है, पहले डेविएशन प्रिज्म की प्लस सेकेंड डेविएशन प्रिज्म की, दोनों का सम कर लें, इसके अंदर a इंटू म्यू माइनस वन कॉमन आ गया, तो ये टर्म आ गई। हमने a डैश और a की रेशियो इसमें ऑलरेडी निकाल रखी, हमने पुट कर दी, पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला नोट कर लें नेट डेविएशन का, डेल्टा इंटू वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, बस।